हम इन कॉपर रॉड से ऑरा स्कैनिंग करेंगे अभी। ये कॉपर रॉड जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें ये बीच में पाइप डला हुआ है और पाइप के अंदर ये कॉपर रॉड्स हैं। तो अगर हम लोग बीच वाले पाइप को पकड़ते हैं तो ये रॉड्स फ्रीली अपने आप घूमती हैं। तो अब मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि हम लोग इन ऑरा स्कैनिंग डाउजर से स्कैनिंग करते हैं तो स्कैनिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्कैनिंग कर रहे हैं इस मैगी के पैकेट की। जब हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो डाउजर्स को ऐसे पकड़ना पड़ता है बिल्कुल सीधा। उसके बाद हम लोग जब स्कैनिंग करनी स्टार्ट करते हैं तो हमारे को कमांड देनी पड़ती है स्कैन। और जैसे ही हम लोग स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं मैगी के पैकेट की, तो हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी बिल्कुल जीरो है। आप देख पा रहे हैं कि ये डाउजर्स बिल्कुल भी नहीं खुलते। अब हम लोग मैगी की जगह कुछ और रखेंगे और जानेंगे कि ऑरा कैसी होती है या कितनी बड़ी या छोटी होती है। कंटिन्यू रखना। अब हम लोग ऑरा स्कैनिंग करेंगे इस एप्पल की। इस एप्पल के सामने देखिए आप, जैसे ही हम कॉपर रॉड रखते हैं ये अपने आप ही खुलती चली जाती है। तो ये बताता है हमारे को कि एप्पल के अंदर कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और मैगी के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसी के अंदर एप्पल के ऊपर अगर हम लोग रेकी सिंबल ड्रॉ करते हैं या रेकी एनर्जी देते हैं तो उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है देखते हैं हम लोग। तो आप देखिए कि जैसे ही हम लोगों ने उसकी रेकी करी तो उसके बाद एनर्जी कितनी ज़्यादा बढ़ गई कि डाउजर अपने आप बहुत तेज़ी से घूमने लगे। तो ये मेरा एक छोटा सा तरीका था, एक एक्सपेरिमेंट था आपको बताने का, आपको समझाने का कि हम लोग अपनी एल शेप की जो डाउजर रॉड्स हैं इनको फिर दोबारा देख लीजिएगा कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग खाली पाइप से पकड़ते हैं और पाइप से पकड़ने के बाद ये फ्रीली घूमती हैं। थैंक यू।